साहस सरोकार। प्रतिशत बढ़ी, अन्ना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति विवाद के बीच स्मृति ईरानी और अमित शाह की राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात, अधीर रंजन को नहीं मिला वक्त। सरकार ने 2024 तक 100 हवाई अड्डों को चालू करने का रखा लक्ष्य, क्षेत्रीय उड़ानों को सुविधाजनक बनाने का उद्देश्य। भारत में कोरोना के 20,409 नए मामले, 32 लोगों की मौत, सक्रिय मामलों में आई कमी। भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज T20 टीम की घोषणा, विस्फोटक बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर की वापसी। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व आज श्रद्धा और सादगी के साथ मनाया गया। वहीं इस पर्व के मौके पर राजधानी लखनऊ के राजभवन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भगवा रंग की पग में दिखाई दिए। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि अमृतसर में जन्मे गुरु तेग बहादुर गुरु हरगोविंद जी के पांचवें पुत्र थे, जबकि आठवें गुरु हरकृष्ण राय जी के निधन के बाद इन्हें नौवां गुरु बनाया गया था। आपने यहां पर भी कीर्तन सुन रहे थे। ये सभी तो हमें भक्ति की धारा के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है, जो हमें भक्ति के माध्यम से हमारे तीर्थ के साथ जोड़ता है, तो हमारी भारी कार्य योजना को बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। ये सभी चीजें जब एक साथ जुड़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तब देश और समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर के अपनी भावी योजना को भी बढ़ाता है। और सिख गुरुओं का इतिहास भारत की विजय का उसी गाथा को प्रमाणित करता है कि सिख गुरुओं का जो बलिदान था वह देश और धर्म दोनों के लिए समान रूप से था, और वह हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 401वीं इस पावन प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देते हुए आप सभी का, आप यहाँ पर आए हुए हमारे अकाल तख्त के जो जत्थेदार हैं सरदार हरप्रीत सिंह जी का, सिरसा जी का, हृदय से मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं। सुल्तानपुर दौरे पर पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी भी ली और कलेक्ट्रेट में जिले के आला अधिकारियों के साथ की राजस्व और विकास कार्यों की समीक्षा भी की। लगभग आधे घंटे चली समीक्षा बैठक के बाद लंबुआ तहसील स्थित धोपाप धाम में निरीक्षण के लिए निकले मुख्य सचिव। लखनऊ में मुहर्रम, रक्षाबंधन, नागपंचमी के त्योहारों के मद्देनजर कमिश्नरेट पुलिस ने रूमी गेट, घंटाघर, सतखंडा, हुसैनाबाद, तहसीनगंज, रुस्तमनगर, दरगाह हजरत अब्बास के संवेदनशील इलाकों में रूट मार्च किया। इस दौरान डीसीपी वेस्ट एस चनप्पा और तमाम अधिकारी खुद शामिल हुए। बुलंदशहर की पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां पर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने अपने संगठन के 8 पदाधिकारियों के साथ रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदान किया। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और SSP श्लोक कुमार ने रक्तदान शिविर में पहुंचकर लोगों का धन्यवाद किया और उनके कार्य का सराहना की है। भारतीय किसान महाशक्ति हमेशा गरीब मजदूर पिछड़ों की सेवा में लगी हुई है और हमेशा सेवा करती रहेगी। मैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, भारतीय किसान महासचिव से राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने भी कल अपने जिले के कप्तान साहब और DM साहब की सामने मौजूदगी में ब्लड रक्तदान किया है, और मेरे UN के जिला युवा मीडिया प्रभारी सहाय आलम है, आशुतोष शर्मा है, पिंटू राघव है, रोहदास कुमार है, और DK बाउंसर है, कई लोगों ने इसमें, और एक चरण सिंह है,
इनके सामने हम मिलकर हमने गरीबों की जान बचाने के लिए हमने कल बुलंदशहर जिले की पुलिसकारी में ब्लड रक्तदान किया है, जिससे कि कभी किसी गरीब को अचानक जरूरत पड़े तो वहां से वो व्यवस्था उनके लिए। श्रावस्ती में थाना मलहीपुर के कंपोजिट विद्यालय में छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां पर पोस्टेड अध्यापक ने जब छात्र को बेवजह पीटा तो अभिभावकों ने इसका विरोध कर दिया। जानकारी के मुताबिक स्कूल में तैनात महिला अध्यापक ने छात्र को दूसरे अध्यापक के पास रजिस्टर लेने भेजा था, जहां पर अध्यापक ने बेवजह छात्र की पिटाई कर दी, जिससे छात्र को अंदरूनी चोटें भी आई है। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। सलमा सर, हमारे यहाँ जो पीयूष मिश्रा मास्टर साहब हैं, ये आए दिन कभी शिक्षा मित्रों से, कभी प्रधान अध्यापक से, कभी बच्चों से आए दिन खुराफास किया करते हैं। आज के कई महीना पहले हम लोग बेसे साहब से डायरेक्ट मिले, बेसे साहब ने आश्वासन दिया कि हम इनको हटा देंगे, फिर को ना इनको हटाया गया ना इनको डांटा फटकारा गया। फिर हम लोग बीओ साहब से कहे, बीओ साहब द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, लिखित मांगा गया, लिखित भी हम लोग दे दिए, और केवल इसी अध्यापक की वजह से आए दिन यहाँ बवाल खुराफास। एक तो खोया खोया फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर में हो रही बरसात से सब्जी मंडी में पानी भर गया, जिससे दुकानदारों और आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि हर बरसात के सीजन में पानी भर जाता है, कई बार प्रशासन से शिकायत की जा चुकी है लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पानी चल रहा है जी, मोटर चल रही है क्या, पुल का सारा पानी यहीं आ रहा है, झील है मंडी की है, मंडी में सारा पानी स्टॉक हो जाता है, फिर ये सारे कॉलोनी का पानी भी आ रहा है, सीवर सारी मंडी के भी सीवर है जी, ये भी सीवर सारे ओवर हो जाते हैं, फिर मंडी में पानी आ जाते हैं। फिर किसकी इसमें लापरवाही है? इसमें लापरवाही क्या बाबू जी, मोटर चल रही है साहब, यहाँ में देखो लाइट आ रही है जा रही है बार बार। तो इसमें ट्यूबवेल दोनों के अलग है क्या, कॉलोनी और मंडी की? ये ऐसा बाबू जी, मंडी का अलग है साहब जी और कॉलोनी का अलग है साहब। आई भी उनसे कई बार तो कह दीजिए करेंगे चालू, लाइट आ जाएगी, लाइट आ भी जब भी चालू लग रहा है, दो 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 तीन तीन दिन लग गया पानी निकलने में। अच्छा, तो दुकानदारी कैसे होती है? दुकानदारी होगी कहाँ, पानी में कौन आ रहा? अच्छा, बाहर रोड पे ले जाते पुलिस वाले लगाने, थोड़ी देर बारिश बरसात हो तो इतना पानी भर जाता है इसमें? हाँ, ज़्यादा ज़्यादा आधे घंटे घंटे बारिश होगी इसमें पानी भर जाता पूरी देर। अच्छा, तो अभी तक कोई इसका निकालने समाधान नहीं निकाल रहा जी कुछ भी। गोंडा के महिला अस्पताल में तीसरी बच्ची पैदा होने के बाद आरती मिश्रा को ससुराल पक्ष के लोगों ने चप्पल से पिटाई करने लगे। बताया जा रहा है कि पति, ससुर, सास, देवर ने चप्पलों से पिटाई की है। वहीं महिला ने पुलिस प्रशासन से इसकी शिकायत की, उसके बावजूद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बहन के साथ हमारे यही हुआ कि उसको लड़की पैदा हो गई और उन लोगों को लड़की पैदा हुई इसलिए उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। वो लोग कहे कि हमारा घर सत्यानाश हो गया, हमारा कुल विनाश हो गया, हमने 1-1.5 लाख रुपए दुआ भभूत सब में खर्च करके किया कि हमारे लड़का पैदा हो, और लड़का नहीं पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई। दो लड़कियों के बाद जब तीसरी पैदा हुई तो उन लोगों ने अस्पताल में क्या किया? अस्पताल में आके छोड़ कर चले गए, पहले मारपीट किए, लड़की को भी मारे। मेरे दो लड़कियां थी, पहले से सीजर से हुई थी, दोबारा वो लोग लड़का चाहते थे, फिर लड़की हो गई तो हमें छोड़ने के लिए बोल दिए, दूसरी शादी करेंगे, हम अपना नाश नहीं रखेंगे, और हम मेरे के चप्पल जूता से दीवार में दता के मार के छोड़ के चले गए हैं। अलीगढ़ के रोरावर थाना में दिल्ली से फर्रुखाबाद जा रही रोडवेज बस सुबह सुबह फ्लाईओवर के नीचे गिर गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 25 घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस हादसे की जांच पड़ताल में जुट गई है। सुल्तानपुर में मंदबुद्धि युवक ने एक व्यक्ति की पटरे से पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया और मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई 40 लाख की लूट के मामले में एसपी सिटी विकास कुमार ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए, साथ ही करीब 8.50 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। वहीं ने सभी अभियुक्तों के साथ एक आरोपी की मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से भी पुलिस ने नकदी बरामद की है।
आगे पुलिस ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि घटना का मास्टरमाइंड आकाश है, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। थाना कोतवाली क्षेत्र में 40 लाख की लूट हुई थी, उसमें पूर्व में ही कुछ लोगों को जिनके पास पैसे बरामद हुए थे और वो इस घटना के प्लानिंग में इन्वॉल्व थे, उनको जेल भेजा गया था। लेकिन आज वो चार मेन अभियुक्त जिसका सीसीटीवी फुटेज में जो आए थे, उन चारों को पुलिस ने पकड़ लिया है और उनके पास से कुल 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं और उनको जेल भेजा जा रहा है। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।